तो जैसा मैंने आपको बताया कि मैं आज कामरान के बर्थडे के लिए कुछ सरप्राइज कर रही हूँ, बाकी ज्यादा कुछ कर नहीं सकती हूँ क्योंकि डॉक्टर साहब भी घर में नहीं है, उनकी मीटिंग चल रही है हापुड़। तो ये मैंने बना ली है कढ़ी, जैसा कि मुझसे बोला गया था, बाजी को भी खानी थी। ये बन गई है कढ़ी, देखें, ये मैंने निकाल ली है उनके लिए। इसमें मैंने कैसरोल में चावल ले लिए, ये देखिए कढ़ी बनाई है, ये राइस बनाए हैं, यहाँ बच्चे भी रेडी हो रहे हैं। और आप बाहर का मौसम देखिए, मैं निकलने लगी हूँ तो आंधी आ रही है, अयान टोल में की बारिश भी, बारिश नहीं आ रही, अयान को ऐसी लगता है फिर पिजन। चलिए निकलते हैं फिर आगे देखते हैं। मौसम खराब है तो मैं लॉबी एरिया में बैठी हूँ, कैब का इंतजार कर रही हूँ, फिर चलते हैं। तो गाइज हम बैठ गए हैं आपका कैब में और अल्हम्दुलिल्लाह से जो हमारे कैब ड्राइवर है वो हमारे भाई हैं, फरमान भाई उनका नाम है। और स्टे ट्यून्ड विद आवर चैनल। अभी गर्म बहुत है, आंधी आने गई है हमारे यहाँ, थोड़ी बहुत बारिश भी हुई है। मैं बाजी के यहाँ पहुँचती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। बहुत हैक्टिक है, फेस पे स्वेटनिंग आपको दिख रही होगी और इंशाल्लाह ताला वहाँ पहुँच के फिर आपको, वैसे मैं थोड़ा सा व्यू दिखाती हूँ। ये देखिए मौसम, भैया ने सारा, ये जो फरमान भाई ये चला रहे हैं, इन्होंने पूरा अपनी ये शीट्स लगा रखी है तो उससे काफ़ी सुकून है, वरना गर्मी का आलम बहुत ज़्यादा है, आंधी आ रही है, इधर बारिश अभी नहीं है, लेकिन ये देखें मौसम ने कुछ तो राहत दी है कि धूप नहीं है, थोड़ी तसल्ली हो रही है, पर इस धूप और हवा में भी बहुत गर्मी है। तो अल्लाह से दुआ है कि जल्दी से कुछ मौसम को राहत दें, जो गरीब लोग हैं उनको भी बहुत तकलीफ़ हो रही होगी, तो सब लोग मिलकर दुआ करें कि इस गर्मी को अल्लाह पाक कुछ कम करें। और ये बच्चे बैठे हैं मेरे, हयानू असद, चले, बहुत गर्मी है, सॉरी माजरत। ये देखिए 2-3 मिनट दूरी है मेरे घर से, यहाँ बारिश हो चुकी है और मेरे यहाँ भी कोई बारिश नहीं है। और अभी देखिए बीच में बारिश हुई, अभी यहाँ फिर सूखा। आगे चल के देखते हैं मसूरी में कितनी बारिश है। ये देखिए, तो ये है मसूरी का आलम और यहाँ हो गई है बारिश। मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको आगे दिखाऊंगी मसूरी में बारिश है कि नहीं है, तो माशाल्लाह मेरे खुदा की कुदरत देखें, यहाँ तो बारिश है। और अल्लाह सुकून अता करे हर किसी को, जरा बारिश दे, बेहद सख्त गर्म हो रहा है। और ये रहा जमजम, ये रहा जमजम। जी कौन है, अस्सलाम वालेकुम करिए। आपका नाम आयत है, क्या क्या आयत है? तो और कुछ नहीं है। वालेकुम अस्सलाम, ये है बर्थडे बॉय। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम बोलो। जाओ शाहिद भाई है तो, जाओ शाहिद भाई है तो बाहर। और ये अयान भाई, गोट का बनाऊंगी। वालेकुम अस्सलाम, अच्छा नहीं लू अभी। ये रही पप्पी बाजी, अरे मैंने दे दिया है धप्पा। गाइस मैं आ गई हूँ शाहिद के घर, आज का ब्लॉग यहीं से होगा, कामरान का बर्थडे है। ये रही उनकी अम्मी, भाभी को बाद में लूंगी। अरे अरे ये रही मेहताब। और ये क्या खा रही हैं? कढ़ी चावल। कढ़ी चावल, ये देखो आ गया शाहिद। कैसे हैं आप लोग? बहुत बढ़िया है, ये भाई साहब आजकल दिख रहे हैं पर कोई खास बातचीत कर नहीं रहे हैं। पूरा बेटा है मेरा, बेटा है भाई, भाई साहब वाला बोला है बेटा है, बेटा है। अच्छा कुछ तो बात कर लो। अरे क्यों नहीं कालोगी बता दो, इतनी प्यारी फ्रॉक पहनी है आपने, ये फ्रॉक बहुत प्यारी है आपकी। शॉपिंग करके? अरे अल्लाह मेरे है। और इस पे जो छोटे छोटे हार्ट्स बने हैं ना, बहुत अच्छे हैं, आ देख लो। देखिए असद भाई कह रहे हैं गोट का बनाइए। और ये देखिए यहाँ पे, आ हा हा हा, ये यहाँ पे चर रही हैं, ये माहौल देखे। और थोड़ा सा चेंज हुआ है तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये कौन आ गया व्लॉग में, पहले सलाम करो हमारी YouTube फैमिली को। सलाम करते हैं सामने मुँह करके, अस्सलाम वालेकुम। हाँ तो ये है मेहताब के हस्बैंड सदरे आलम, और अब इनसे बात करेंगे तो फिर आगे आगे देखते हैं क्या। यहाँ शुरू हो गया है बच्चों का बेहद ही घटिया मैच, क्योंकि एक बॉलर और एक जो ये है आपका
ये जो आपके वो शॉट मारने के लिए खड़े हैं क्रिकेटर हमारे, वो देखते हैं कितनी जो ओ माय गॉड, विराट कोहली एंड एमएस धोनी, देखिए कैसी शॉट आएगी अभी, आप लोग देखते रहे। ओ मार तो दिया, अरे रन अकेले का ही एनू, अकेले का ही रन हो गया वन रन वेरी गुड। अरे अरे माशाल्लाह वन मोर शॉट बट स्ट्रेट। ओ वेरी नाइस। चाय वाय पी के नौरीन को मैंने बोला है कि नौरीन चाय बना के लाए, क्योंकि डॉक्टर साहब सीधे क्लिनिक से मुझे ड्रॉप करते हो, घर से क्लिनिक जाएंगे, वो रहे पीछे बच्चे, और चलिए डॉक्टर साहब चले गए। तो ये बैठे हैं हम लोग सब, आज अल्हम्दुलिल्लाह मौसम अच्छा हो रहा है, तो गप्पे चल रही थी, ये बैठी है यहाँ पे नौरीन, तो हमने कहा जब गप्पे चल रही हैं तो थोड़ा कैमरा ऑन किया जाए। बैठे क्यों हो, गपियाओ जरा, जो अभी जल रही थी, बत कुचन उच्चन करी जाए जरा थोड़ी सी चाय, कुछ के लौंग कुछ के। ये रहा कामरान, गुड़िया बाजी सब, नानी सबके तरफ से हैप्पी बर्थडे हो गया है, और हैप्पी बर्थडे। तो ये आ गया है चिकन लॉलीपॉप, शाहिद ले आए हैं मौसम का तकाजा, नॉन वेज वालों की खुशियाँ, और ये है समोसे, और अभी जैसे जैसे आइटम आएगा वैसे वैसे आपको दिखाएंगे। तो ये आ रहे हैं बाप बेटे की जोड़ी, ये जंपी, अरे चटनी वाली आई है, चटनी लेके आई है, इट्स एन लॉलीपॉप जो आप खाते हो। अभी तो रात में पता चलेगा, अभी यहाँ चल रही है बतकुचन, कुछ देसी पार्टी है, देसी माहौल, और बाप रे बाप, सब लोग काम कर रहे हैं, भाई साहब ने सबसे बड़ा काम किया। तो आज बारिश हुई है ना, तो यहाँ आ गई है कोल्ड ड्रिंक, क्योंकि भाई साहब ये जो पूरे सब बैठे हैं सब खाने पीने के बेहद शौकीन, हमारे घर में अगर मैंने पहले भी मेंशन किया है सब खा पी के खुश रहते हैं, ठीक है। तो चलें, वेयर्स द बर्थडे बॉय, आ जा, चलो कैमरा ऑन। तो ये है बर्थडे बॉय असद अयान पीछे, हैप्पी बर्थडे टू यू अयान, डे टू यू, भाई का हाथ लगवाओ, शाहिद हाथ लगाओ सबसे पहले, अम्मी हाँ चलो भाई को खिलाओ, कोई नहीं एक बात है, अम्मी को खिलाओ, आया असद, भाभी को लो, नारी ना बेटा, अब अप्पी को, और अब सारे छोटे बच्चों को अप्पी को खिलाओ पहले, अब ये शोजी बच्ची खाएगी, अप्पी को खिलाओ, और अब शाह तुम खिलाओ ना उसे, अब अरे वाह, खाला तो जरा सा लेगी, खाला डायबिटीज वाली है ये। हम हैं फुट ओवर ब्रिज पे, चले आओ यान, डॉक्टर साहब हमें यहाँ पे छोड़ के फुटओवर ब्रिज के पास छोड़ के निकल, आसान गाड़ियां दिख रही हैं बैक कैम, ये देखें आनी रही होगी, क्योंकि यहाँ गाड़ियों का शोर बहुत है,
घर चलते हैं, आपको लेके चलते हैं। ये उतर गए हम और ये चल दिए हैं हम अपने घर की तरफ। इसको गाइस एक चीज बताओ, आवाज नहीं आ रही आपको, आपकी अमेरिका में इसको साइड वॉक बोलते हैं और इंग्लैंड में इसको पेवमेंट। ओके, इंग्लिश में गा के हमारे यहाँ तो इसको बहुत चीजें बोलते हैं, मुझे भी नहीं पता। तो आ गए हैं मेरे शोना जी, मेरे मियाँ जी, मेरे पति देव, और सुबह से वो भाग रहे हैं, कभी इधर कभी हॉस्पिटल कभी उनकी मीटिंग, और ये थके हारे यहाँ बैठे हैं। और ये अब हमारे पूरे दिन का फर्स्ट मील। राइट, थकान तो इस वक्त वाकई में बहुत ज्यादा हो जा रही है, क्योंकि हो जा रही है, नहीं हो जा रही है, आवाजों पे नहीं भावनाओं पे जाए, आवाजों पे नहीं भावनाओं पे नुकता नहीं है। ये इस टाइम जो है थोड़ा सा थकान ज्यादा हो रही और काम काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है, लेकिन ये है कि हम कर ही रहे हैं। अब डिनर टाइम हो गया और डिनर अभी जो है ये वो देख रहे हैं, क्योंकि ये बेड पे खाना नहीं खाते हैं, मैंने जस्ट पकड़ाया है, वो अपनी चेयर सर्च मार रहे हैं और चेयर ये रही। ये देखिए कितने टॉयज फेंकने के लिए मैंने निकाले हैं, टूट फूट सब रखे हुए हैं इन्होंने, और बच्चे ये रहे अभी आपसे। और अब मैं अपना खाना निकाल लेती हूँ, आज एक आपको पूरा देसी तरीका दिखाती हूँ। मुझे एक्चुअली सिर्फ दिख रहा है, बैक कैमरा दिखाती हूँ। ये है राइस, भगोना खा लिए, ये है इतने से राइस, और मुझे खाने का मन नहीं है, बट डॉग साहब गुस्सा कर रहे हैं, और ये इतनी सी कढ़ी बची है बिकॉज फुल डे मुझे भी हो गया है, क्योंकि माशाल्लाह अल्लाह पाक ऐसी रखे, जब तक डॉग साहब नहीं खाते हैं मैं नहीं खाती हूँ। तो ये भगोने में लगा थोड़ा सा राइस है, और आज मैं इसको बिल्कुल देसी तरीके से खाने के मूड में आ गई हूँ। नो मोर प्लेट्स, प्लीज इस पर कमेंट मत करिएगा, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे खा भी लेते हैं। आज मैं भी इसी में सब कुछ मिक्स करके वो लूंगी, और बिकॉज ये देखिए 11 बज रहा है, पूरा दिन खाना नहीं खाया है इस वजह से हो रहा है, अदरवाइज मैं इतना लेट फूड खाने के उसमें ही नहीं होती हूँ। बट चले आपसे मिलते हैं। ये डाल लिया है इसी में कढ़ी, और गार्निशिंग इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कढ़ी का जो लुक है वो गार्निशिंग से आता है। आज मैं इसको ऐसे ही खाऊंगी और इंजॉय करूंगी, हाथ से खाएंगे देसी तरीके से और एंजॉय करेंगे। और चलो बैठे।